भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव में आपने भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनादेश दिया था। अब हरियाणा के भविष्य के लिए बीते 5 वर्षों की निरंतरता को आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का आपके पास एक और मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य के गौरव को बढ़ाने वाले कार्य कर रही है। आज स्वच्छ भारत की बात करें तो हरियाणा पूरे देश में अव्वल राज्यों में एक है। हरियाणा ने अपने आप को पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ मुक्त घोषित कर लिया है। इसके अलावा हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है और एमएसएमई सेक्टर में भी देश के टॉप राज्यों में हरियाणा का नाम है। हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए आपके राज्य को मनोहर जी जैसे नेतृत्व की जरूरत है, जो संकल्प के साथ, समर्पण के साथ लगातार आपकी सेवा में जुट लगे रहे हैं। मनोहर लाल जी सहित हमारे तमाम साथियों ने बीते 5 वर्षों में इन संस्कारों के अनुरूप काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा के सरकारी सिस्टम से अपने पराए के भेद को खत्म करने का, उस मानसिकता पर चोट पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बंदर बांट की एक गलत परंपरा को खत्म किया गया है। बीते 5 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के कौशल से लेकर उनको मिलने वाली मदद तक में वृद्धि की गई है। बीते 5 वर्षों शिक्षकों के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने का सफल प्रयास किया गया है। बीते 5 वर्षों में हरियाणा में किसानों की जमीन पर भ्रष्टाचार का जो खेल चलता था वो भी बंद हो गया है। 5 वर्षों के ऐसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर पूरा हरियाणा आज भाजपा के पक्ष में खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ, मनोहर लाल जी के साथ रोहतक के, हरियाणा के जन जन का ये विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। आपने देखा होगा यहां पर 45, 40, 45, 50, 60, 70 की उम्र के लोग जिन्होंने हरियाणा में बहुत सारी सरकारें देखी है, उन सरकारों के चरित्र को देखा है, उन सरकारों की पहचान पता है आपको। परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और यहां मुख्यमंत्री कौन बनते थे? दिल्ली में जो सरकार हो वहां के प्रधानमंत्री को, वहां की सरकार को कोई मुसीबत हो या कोई छोटी मोटी सिद्धि के गीत गाने हो तो यहां उस मुख्यमंत्री को पसंद किया जाता था कि जो दिल्ली में ट्रकें भर भर गए हरियाणा से लोगों को ले आए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ढोल नगारे पिट्टी पे, और उस समय के प्रधानमंत्री का जय जयकार करे, ये काम कर दो
तो हरियाणा को वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल जाए। यही कारोबार चला था 5 साल में, कभी हरियाणा से एक ट्रक भी लोगों को ले जाने का काम न यहां के मुख्यमंत्री को करना पड़ा है, न यहां की सरकार को करना पड़ा है। हरियाणा के लिए ये नई कार्य संस्कृति का अनुभव है, नई राजनीति का अनुभव है। निस्वार्थ भाव से हरियाणा के लिए जीने मरने वाले लोग भी हरियाणा में है, ये इस सरकार ने दिखा दिया है।